राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूँ आपसे महम चौबीसी क्षेत्र के गांव बड़म्बा से, और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी दर्शक साथियों के लिए, क्योंकि भारत के अंदर फुटबॉल का लेवल बहुत छोटा है, लेकिन भारत के फुटबॉल के लेवल को उठाने के लिए लगातार हरियाणा प्रदेश के गांव बड़म्बा के खिलाड़ी जुटे हुए हैं और जुटे हुए हैं, लगातार अभ्यास करते हैं। इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर पूरे उत्तर भारत की हार्ड कंप कपा देने वाली जो ठंड है वो गिर रही है, आप सभी को पता है। लेकिन इस ठंड के मौके के बीच में टोंठा कैथड़ में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और गांव बड़म्बा बाबा रूपदास क्लब बड़म्बा की टीम ने वहां पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, और इसी खुशी को लेकर यहां पर हम पहुंचे हैं। ये फर्स्ट प्राइज विनर टीम हमारे पीछे खड़ी है और सीनियर खिलाड़ी, भूतपूर्व खिलाड़ी भी साथ में है, गांव के सरपंच साहब हैं। सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया है, 51,000 रुपये की प्रथम इनाम और एक ट्रॉफी जो आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, ये वो चमचमाती ट्रॉफी है जो इन खिलाड़ियों ने बाजी मार कर जीती है और बहुत ताकतवर टीमों को इन्होंने हराया है। आप सभी पहले से वाकिफ होंगे क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर लगातार फुटबॉल को लेकर भी कवरेज चलती रहती है। इस गांव बड़म्बा का एक जुनून है फुटबॉल की दीवानगी को लेकर, कि गांव बड़म्बा लगातार हर साल इस गांव में 3-3 फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। ये साबित करता है फुटबॉल का जुनून। यहाँ का एक खिलाड़ी परमजीत सिंह अहलावत, बार बार मैं आपको बताता हूँ ताकि मोटिवेशन मिले उन खिलाड़ियों को जो छोटे बच्चे खेलते हैं, उनसे प्रेरणा ले, वो भारतीय टीम में बतौर कप्तान अंडर 17 टीम में फिलहाल बतौर कप्तान अपना काम कर रहे हैं और अच्छा खेल खेल रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये सभी वो खिलाड़ी साथी खड़े हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में दम लगाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमारे साथ में टीम के जो हेड, जो मैनेजर साहब हैं, जो इनके साथ गए थे कमेटी से, प्रमोद कुमार जी हैं। प्रमोद जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। कौन जी? प्रमोद जी, टूर्नामेंट टोंठा गांव में खेली गई कैथल डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी। तो किन किन टीमों के साथ मुकाबला हुआ? वहाँ हमारा सबसे पहला जो मैच हुआ प्रभुवाड़ा जो है उसके साथ हुआ, फिर वहाँ उचाणा की टीम थी उसके साथ मैच हुआ, फिर हमारा अगला मैच भुना के साथ हुआ, फिर अगला मैच उचाणा की जो सुपरस्टार जो पूरे हरियाणा की नंबर वन टीम बोली जाती है उसको हराया हमने, फिर उसके बाद हमारा फाइनल मैच जो लतानी के साथ हुआ पर उसको हराया हमने, वहाँ हमने पांचवा मैच जो है जीतकर वहाँ हमने फर्स्ट इनाम जीता है। और यहाँ जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और पूरा गांव का सहयोग है, और उसमें विशेषकर हमारा पाना का जो सरपंच है कुलदीप भाई है, हमारा युवा साथी है, इनका भी बहुत सहयोग है। तो हम यही इनसे, इन बच्चों से आशा करते हैं कि इसी प्रकार खेलते रहें, मेहनत करते रहें और इसी प्रकार इनाम जीते रहें। धन्यवाद। एक बात और दर्शक साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो खेल प्रतियोगिता थी उस गांव में आयोजित की गई थी, कोई उसी गांव का जो एक लड़का अमेरिका गया था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, शायद उसकी याद में करवाई गई। हाँ जी, उसी गाँव का एक खिलाड़ी था जो पहले फुटबॉल खेलता था जी, उसका नाम बिंदु था, तो वहाँ उसको गोली मारकर वहाँ उसकी हत्या कर दी गई थी। तो पूरा गांव मिलकर पैसों से जो है चंदा करके उसकी वहाँ से डेड बॉडी जो है यहाँ आई थी। तो अब की बार यहाँ ये जो हुई थी टूर्नामेंट, ये उसकी याद में, समर्थी में, उसके याद में उनके यहाँ हुई थी अब की बार, तो इसलिए वहाँ हम गए थे, पहली बार गए थे हमारी टीम, और पहली बार में जाकर मेहनत करके बच्चों ने फर्स्ट इनाम जीता है। बिल्कुल, दम दिखाया और फर्स्ट प्राइज लेके आए हैं। हमारे साथ में भूतपूर्व खिलाड़ी हैं मुकेश कुमार। मुकेश भाई, जिस प्रकार से खिलाड़ियों ने ताकत दिखाई, अपना खेल का जो जज्बा दिखाया और प्रथम प्राइज जो लेके आए हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने खेल को, अपने गांव के इन खिलाड़ियों को लेकर? बच्चे अच्छी मेहनत करें और आगे भी ऐसा ही काम करें, लगातार जुड़े रहें। बिल्कुल, ये भूतपूर्व खिलाड़ी हरियाणा के टॉप खिलाड़ियों में शुमार मुकेश कुमार हमारे साथ हैं, और साथ में गांव के सरपंच हैं कुलदीप सिंह राठी जो एक युवा सरपंच है, हर समय हर संभव सहायता के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो सामाजिक कार्य हो या फिर खेल से संबंधित कार्य हो। और फुटबॉल का जुनून इनके अंदर भी, ये खुद भी एक खिलाड़ी रहे हैं, इनके अंदर इतना जुनून है कि जब भी कोई सहायता खिलाड़ी इनसे मांगते हैं तो हर समय तत्पर रहते हैं। सरपंच साहब एक बार आ जाओ,
राम राम जी सरपंच साहब। राम राम पवन भाई और आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी मेरा नमस्कार। तो सरपंच साहब, टीम जीत के आई है जी। बहुत बहुत बधाई सर्वप्रथम तो हमारे चैनल की तरफ से भी पूरी टीम को, और आपको भी बधाई जो आप इस तरह से सहयोग करे हैं। क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम को लेकर? पवन भाई, ये एक हर्ष और उल्लास का विषय है कि आज हमारी जो टीम है ये सारी बधाई की पात्र हैं। कोच साहब हैं, अपने मुकेश पहलवान जी हैं, प्रदीप हैं जो यहाँ पर बच्चों की इनकी भी प्रैक्टिस कराते हैं, साथ साथ उनका भी करवाते हैं, ये सभी बधाई के पात्र हैं। और रही हमारे गाँव की बात, तो ये कहते हैं ना, मान ले किसी गाँव का किसी उसमें क्रेज होता है, तो फुटबॉल का क्रेज हमारे गाँव का शुरू से ही रहा है। और हर एक घर छोड़ के एक घर में रोनाल्डो बसता हमारे गांव में। और कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय था, हमारे मन मन में एक चिंता थी कि जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर हमारे युवा साथी हैं, कहीं मतलब वो गलत गाइडलाइन तो नहीं पकड़ रहे हैं, एक चिंता थी। लेकिन आज जो इन्होंने ये हमारी यहाँ पर शोभा बढ़ाई हमारे गाँव की, तो उसमें हम पूरे आश्वस्त हो गए कि सही उसमें हमारे युवा भाई नशे से भी दूर हैं, और अपना जो ये प्रैक्टिस, ये प्रयास जो जारी था इनका, ये उसमें कामयाब हुए हैं। बिल्कुल सही बात है सरपंच साहब की, कि जो खिलाड़ी खेलने के लिए मैदान के ऊपर जाते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, और छोटे से ही शुरुआत होती है, छोटे कदम से ही शुरुआत होती है। छोटा कदम चाहे वो नशे का हो चाहे वो बदमाशी का हो, हर चीज़ से दूर रहता है खिलाड़ी वो बच्चा जो मैदान के ऊपर निरंतर जाता है। क्या संदेश देंगे उन युवाओं को जो तरह तरह के अपराधों में लिप्त हैं और नशे से लिप्त हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, सबके अलग अलग सोच होती है। मैंने पहले पवन भाई आपको बताया था कि हमारा जो सोच और या हमारा जो प्रयास है ना, देखो कार्य तो पंचायतों में और भी कुछ होते रहते हैं, एक पंचायत से हटके भी, एक सरपंच ना होकर के भी, मैं मतलब अपने जो छोटे भाई हैं मेरे और जो हमारे युवा साथी हैं उनसे एक निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके कि मान लें नशे से दूर रहें। और एक जो ग्राउंड में सुबह शाम जाएंगे ना, एक जाना ही मतलब उसके लिए बहुत है, वहाँ पर कुछ ना कुछ सीख के आएगा और नशे की लत से दूर रहेंगे। और हमारा ये प्रयास है कि हमारा गांव, हमारे जो युवा हैं वो नशे से दूर रहें और आगे निरंतर कामयाबी की ओर बढ़ते रहें। ठीक बात है। अभी दर्शक साथियों, मैं आपको बता दूँ, शायद एक हफ्ते पहले एक प्रतियोगिता गांव मसूदपुर में हुई थी ना पहलवान जी, मसूदपुर में खेल प्रतियोगिता हुई थी, और ये हमारी जो अंडर 14 की जो टीम है वो राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता वहां पर भी आयोजित की गई थी, और वहां पर भी इस गांव की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। छोटे बच्चे जो लगातार खेलते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक, यहाँ एक क्रेज है फुटबॉल का जो आपको नज़र भी आ रहा होगा लगातार, क्योंकि खेल प्रतियोगिता एक एक गांव में तीन तीन प्रतियोगिताएं होना छोटी बात नहीं है। तो दर्शक साथियों, हमारी भी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। तो कुलदीप भाई का कुछ बाकी रहेगा, कुलदीप भाई क्या कहना चाहेंगे? बस मैं एक थोड़ा सा अपनी तरफ से एक हौसला अफजाई जो हमारी टीम जीत के आई है उसके लिए करना चाहता हूँ, ताकि हमारे भाई निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या 100 रुपये की राशि है? प्रमोद मास्टर जी। आओ मास्टर जी। भाई सहयोग लगातार खेल के सामान को लेकर तो करते ही रहते हैं, अब नगद इनाम के साथ इनको सम्मानित किया जा रहा है। मैं भी उम्मीद करूंगा कि आप जो देखने वाले हैं, युवा साथी हैं, छोटे बच्चे हैं, वो भी इस तरह के कार्यों से प्रेरणा लें, ताकि आपको भी कल आने वाले भविष्य में वो सम्मान मिल सके जो आज इन बच्चों को मिला है। क्या कहेंगे मास्टर जी? मैं जी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सरपंच साहब का, और हमें जो भी छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ जो चीज़ चाहिए, इन एक बार फ़ोन करने की जरूरत पड़ती है, एक मांगते हैं तो हमें 5 मिलती हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सरपंच साहब का। बिल्कुल, युवा सरपंच ये कहते हैं ना, सूझबूझ भरी जो पारी खेलने का कार्य कर रहे हैं, 5 साल का मौका मिला है जनता जनार्दन की सेवा करने का, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर, भूतपूर्व खिलाड़ी के तौर पर और वर्तमान में सरपंच के तौर पर